इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जितने भी नंबर दिए हुए, जितने भी प्रॉब्लम्स है, इनके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने हमें आता है, 7th 8th 9th क्लास में भी हमने प्राइम फैक्टर किया है, वैसे ही इसमें भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली प्रॉब्लम है वो है 140, दूसरी है 156 और तीसरी हमारे पास 3825 एंड सो ऑन। इन सभी के हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे वो भी हम लोग समझते हैं। तो आते हैं इसके हम लोग सोल्यूशन में। अब इसकी हमारी जो पहली प्रॉब्लम है वो है हमारे पास 140 है, ठीक है। अब इसके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर करना बहुत ही ईजी होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा 140, अब हम लोग देखेंगे सबसे छोटे नंबर से हम लोग को इसको करना है डिवाइड। तो कैसे करेंगे, देखो ये 2 से जा सकता है तो 7 से करेंगे, 7 2 जा 14 होता है, यहाँ पर हो गया 70। अब ये 70 भी 2 से जा सकता है, फिर हमने 2 से किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35। अब ये 35 हमारा जाएगा किससे, 5 से, तो 5 7 जा होता है 35 और यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो बस सिंपल है। अब हमें क्या करना है, सिंपल से यहाँ पर 140 लिखा है तो यहाँ पर हमने लिख दिया 140 इक्वल्स टू लिखा 2 × 2 × 5 × 7। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 × 2 है मतलब 2 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्लियर है। इंटू यहाँ लिख दिया हमने 5 × हमने कर दिया 7 और ये हो गया 140 का प्राइम फैक्टर और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन, है ना, कितना ईजी। अब इसी तरह हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, तो अब हम लोग इसी का करेंगे सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है वो है हमारा 156 है। कितना कह रहा है यहाँ पर, 156 कह रहा है। तो 156 का भी प्राइम फैक्टर हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, तो लिखा 156 और यहाँ पर कर दिया 156। अब देखो 156 किससे जा सकता है, 2 से जा सकता है, 2 7 जा 14 हो गया, क्या बचा 16, 2 8 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। ये फिर से 2 से जा सकता है, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब 39 किसकी टेबल में आएगा, 39 2 से जा सकता है, देखो ये हमारा 2 से तो नहीं जा सकता, ये जाएगा हमारा 3 से। तो जब 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब ये जाएगा हमारा 13 से और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये भी हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 156 इक्वल्स टू लिखा हमने 2 × 2 × 3 × 13 और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 2 × 2 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू, यहाँ पर लिख दिया हमने 3 और यहाँ कर दिया × 13 बस। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन सेकंड का सोल्यूशन। अब इसी तरह इसके तीसरे पार्ट में आ जाते हैं। तो तीसरा जो हमारे पास वो कह रहा है कि ये हमारे पास 3825 है, तो यहाँ पर लिखा हमने 38, यहाँ लिखा 25, ओके। अब इसको हम लोग करेंगे फैक्टर, तो यहाँ पर ऐसे किया, यहाँ पर लिखा हमने 38, यहाँ लिख दिया हमने 25। अब इसे करते हैं, तो देखो यहाँ पर 5 है ना और ये हमारे पास 3 है, तो क्या ये हमारा 3 से जा सकता है, तो हम लोग करके देखते हैं पहले 3 से। तो 3 1 जा 3 किया, 3 2 जा 6 किया और यहाँ पर बचा कितना हमारे पास 22, 3 7 जा 21 और यहाँ पर हो जाएगा 15, 3 5 जा 15 चला गया, तो ये 3 से हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग इसे करते हैं फिर से 3 से जा सकता है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 फिर से चला गया, 4 2 5 है तो ये हमारा 5 से जा सकता है, तो 5 8 जा 40 होता है, यहाँ पर 2 5 बचा तो 5 5 जा 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 85। अब ये फिर से 5 से जा सकता है, तो यहाँ पर क्या 5 1 जा 5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 और यहाँ पर 5 और ये हो गया 7, तो ये 17 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 17 और यहाँ पर आ गया 1, ठीक। तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3825 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने लिखा 3 × 3 × 5 × 5, क्लियर है, और यहाँ पर लास्ट में क्या है 17 है। अब देखो यहाँ पर दो बार 3 है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर × 5 दो बार है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 स्क्वायर × हमने कर दिया यहाँ पर 17 और ये हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक। तो यहाँ लिखा 3825, क्लियर हो गया। अब आ जाओ इसी के चौथे में, फोर्थ में। तो जो फोर्थ है हमारे पास, उसमें हमारे पास कह रहा है इसका क्वेश्चन है ये 5005 है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने 5000, ये हो गया 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे इसके, तो ये देखो किससे जाएगा, ये 5 से डिविजिबल है ना, तो हम लोग 5 से करते हैं, तो यहाँ करेंगे 5 × 5 000 5 × 5 हो गया, ठीक है। अब देखो ये किससे जा सकता है, 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, 7 से शायद जा सकते हैं, तो 7 से करेंगे 7 × 7 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 0, 7 × 4 से चला जाएगा और 7 × 3 = 21 हो जाएगा, ठीक है, चला गया। अब ये किससे जा सकता है, देखो ये 11 की टेबल में आता है, तो 11 13 से चला जाएगा, ओके, और 13 × 13 हो जाएगा, ठीक, क्लियर है इतनी बात। ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5, ठीक है, × 7 × 11 और यहाँ पर लिख दिया × 13,
क्लियर हो गया, और यही हो जाएगा हमारा इसका प्राइम फैक्टर, तो ये हो गया फोर्थ का सोल्यूशन। अब आते हैं इसी के लास्ट वाले में, और लास्ट जो है वो है हमारे पास 7429 है, क्लियर है। तो इसको करते हैं, तो यहीं पर आ जाएंगे इसी का जो लास्ट है वो है फिफ्थ, ओके। यहाँ पर 7429, अब इसके प्राइम फैक्टर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 9। अब देखो ये किससे जा सकता है, ये हमारा किसी से जा सकता है क्या, देखो ये हमारा कटेगा किससे, ये जाएगा हमारा 17 से, तो हम लोग जब 17 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 437, फिर ये 437 हमारा डिविजिबल हो जाएगा किससे, ये हो जाएगा 19 से, 19 से जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 23, ठीक है। तो 23 हमारा कैंसिल हो, यहाँ पर बचा 1। अब इसका जो प्राइम फैक्टर है वो आ जाएगा हमारे पास 17, 19 और इंटू यहाँ पर हो गया 23, और ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था इस एक्सरसाइज का बहुत ही ईजी है, और इसी तरह के सारे जो क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल ईजी है, बहुत सिंपल से, बस फैक्टर ही निकालने और कुछ नहीं। अब आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी के दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले ये जो हमारे पास प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनके निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। फिर हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ है, जो हमारा एलसीएम और एलसीएफ आएगा वो क्या बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब जो ये दो नंबर है इनका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसके बराबर होगा, ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बहुत सिंपल सा। तो चलो इसके आते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर जो हमारी पहली प्रॉब्लम है वो है 26 एंड 91, तो यहाँ लिखा हमने 26 एंड कर दिया यहाँ पर 91, तो हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम, और हमें क्या निकालना है, और हमें निकालना है एचसीएफ, ये दोनों हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 26 निकाला, इसका तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 से करेंगे 2 1 2 2 3 6, और यहाँ पर हो जाएगा 13 का तो कुछ होता ही नहीं, तो 13 1 13, तो ये हो गया 1, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 91 है, इसका प्राइम फैक्टर करो, तो 91 का करोगे तो कितने टाइम चला जाएगा, 7 से जाएगा ये, तो 7 1 7 7 3 21, तो फिर से यहाँ पर 13 आ गया, तो यहाँ पर लिख दिया 13 और यहाँ पर कर दिया हमने 1, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा 26 इक्वल्स टू क्या आया, इसका प्राइम फैक्टर ये आया 2 into 13 आया, ठीक है। अब यहाँ पर 91 है और उसका हमारा प्राइम फैक्टर आया है 7 into 13 आया, क्लियर है। अब देखो ये दोनों है, हमें क्या निकालने थे, हमें निकालने थे एलसीएम और एचसीएफ निकालने थे। तो एचसीएफ देखो कैसे निकलता है, अब ध्यान देना एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है, यहाँ पे लिखा है एच, यहाँ लिखा हमने सी, यहाँ लिखा एफ इक्वल्स टू, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ये हो गया हमारा 13, क्लियर है। तो जो हमारा एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा, क्लियर इतनी बात। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमने निकाला, जब हमने एलसीएम निकाला तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 2 है, तो हमने 2 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 7 है, तो हमने 7 लिखा। अब देखो यहाँ पर क्या था 13 है, दोनों में 13 है, तो हमने यहाँ पर एक 13 लिख दिया बस। अब इन सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 से क्या हो गया 14 हो गया, और 14 इंटू हम लोग कर देंगे 13, जब 14 इंटू हम लोग 13 करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आ जाएगा 182, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने एचसीएफ कैसे निकाला, हमने देखा कि इन दोनों में कौन सा कॉमन है, देखा कि 13 कॉमन है तो हमारा 13 एचसीएफ हो गया। एलसीएम हमने क्या निकाला, जो भी हमारे नंबर बचे जैसे 2 और जैसे 7, ये दोनों बचे तो यहाँ पर लिखा, और फिर देखा हमारा ये दोनों कॉमन था, इनमें से एक हमने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर जब हमने इसका मल्टीप्लाई कराया तो हमें मिल गया हमारा एलसीएम, क्लियर, ये एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि वेरीफाई करके दिखाओ, ठीक है, तो हम लोग वेरीफाई करते हैं, यहाँ पर वी हैव टू वेरीफाई दैट, क्लियर है। अब हमें वेरीफाई करना है, तो क्वेश्चन ने कहा था जो हमारा एच सी एफ है, एच सी एफ इंटू जो होगा वो होगा एल सी एम, वो बराबर होगा हमारे पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ किसका होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो दो नंबर कौन से जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, वही दो हमारे नंबर है। तो हमारे पास जो एच सी एफ है वो है यहाँ पर 13, तो हमने यहाँ पर 13 लिखा, और जो हमारे पास एलसीएम है वो है हमारे पास 182, हमने 182 किया, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर समझो, प्रोडक्ट का मतलब होता है जो हमारे पास दो नंबर है ना, इन दोनों नंबर का हमें क्या करना है, इन दोनों को नंबर का हमें करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 26
यहाँ पर लिख दिया हमने 26 इंटू यहाँ कर दिया हमने 91। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग 12 इंटू 182 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमें मिल जाएगा 2366 मिलेगा, और यहाँ पर जब 26 इंटू 91 करेंगे तो भी हमें यहाँ पर मिलेगा 2366। तो ये हो जाएगा हमारा वेरिफिकेशन और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया कि हमारे पास जब एलसीएम और एससीएफ आएगा अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना आएगा, और जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो भी होगा, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब इसी में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है। सॉरी, ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, अब हम लोग सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है वो कह रहा है वो 510 एंड 92 है। तो यहाँ पे लिखा 510 है हमारे पास और यहाँ पर है हमारे पास एंड 92। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो अब तो प्राइम फैक्टर निकालना आ ही गया होगा, बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ लिखा 510। अब देखो ये किससे डिविजिबल है, देखो 2 से जा सकता है, 2 से हमने किया, 2 2 4 हो गया और 2 5 यहाँ पर क्या होगा, 2 2 4 यहाँ पर 11 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 5 10 हो गया। अब ये तो 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा क्या, 3 से जा सकता है शायद, तो 3 से करेंगे, 3 7 21 38 और 3 5 15। क्लियर है। अब ये 5 से जा सकता है, 5 से करेंगे तो 5 5 5 7 35, तो यहाँ पर आ गया 7 और यहाँ पर हो गया सॉरी 17 और 17, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 92 है, तो 92 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 92 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर 2 से करके देखो, 2 4 8 2 6 12, फिर से 2 2 2 4 2 3 23 1 होता है 23। बस इसका तो कोई प्राइम फैक्टर होता नहीं 23 का। अब देखो यहाँ पे लिखा है 510 और यहाँ पे लिखा है 92। क्लियर है इतनी बात। अब 510 का हम लोग क्या करना है, देखो यहाँ लिखा 510 इक्वल्स टू, हमने यहाँ लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 17। क्लियर हो गया। अब यहाँ लिखा है 92, अब 92 को हमने लिखा 2 इंटू 22। क्लियर हो गया। अब देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है ना, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए एलसीएम और फिर चाहिए हमें एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एचसीएफ की, एचसीएफ। अब देखो ये एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, अब इसका जो भी फुल फॉर्म होगा वो आप कमेंट करके हमें बताओ, और जो भी कमेंट करेगा उसका जो कमेंट होगा वो कमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे लास्ट में अपलोड जरूर कर देंगे। तो जितने भी कमेंट है जल्दी से करो, शुरुआत के 10 कमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड करेंगे। तो यहां लिखा एचसीएफ, तो एचसीएफ यहां पर क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है एचसीएफ, एचसीएफ आ गया हमारे पास 2। देखो कैसे निकाला हमने, यहाँ पर देखा 2 हमारा यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 3 5 17 है, 3 5 17 नहीं है, तो हमें सिर्फ लेना है 2, जो दोनों में हो वो हमें लेना है। एचसीएफ आ गया। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, देखो ये 2 कॉमन थे तो 1 हमने यहाँ पर लिखा, अब यहाँ पर 3 बच रहा है, 3 लिखा, और यहाँ पर क्या है 5 है तो 5 लिखा, और यहाँ पर 17 है 17 लिखा, अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कर दिया, और यहाँ पर 22 कहाँ से आ गया, 23 है, ये 23 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 23। क्लियर है। तो हमने लिखा यहाँ पर 2 और एक मिनट, यहाँ पर हुआ 2, फिर ये 3 5 17 और 17 23 और ये 2 यहाँ पर, ठीक, ऐसे हमने लिख दिया, ओके। अब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 3 6, ठीक है, 6 5 क्या होगा 30, 32 क्या हो गया 60, यहाँ पे लिख दिया 60 × 17 × 23। जब इसका हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करने में हमें एलसीएम कितना मिल जाएगा, एलसीएम हमें मिल जाएगा 231 नहीं आएगा यहाँ पर, ये होगा हमारे पास 23460 होगा, 23460। देखो मल्टीप्लाई खुद कर लेना, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वैसे भी इतनी बड़ी वीडियो हो जाती है। अब देखो हमने यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने HCF निकाल लिया, LCM और HCF हमने दोनों निकाल लिए हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका वेरीफाई करना है, ठीक है, क्या करना है हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना बहुत ईजी, जैसे हमने अभी ऊपर बताया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वी हैव टू वेरीफाई डैट। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, HCF लिखा इंटू यहाँ लिखा LCM लिखा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ लिखा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर HCF है ना, HCF हमारे पास क्या है 2 है, और LCM हमारे पास क्या है 23460 है,
इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब क्या हो रहा है, जो भी हमारे प्रॉब्लम थी 510 और 92 इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखा 510 और यहाँ कर दिया हमने 92 कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 46920, ठीक है, 46920 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 46920। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन और ये हो गया इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। तो समझ में आ रहा, बहुत इजी है कैलकुलेशन, देखो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा है, तो ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड हो गया, अब आते हैं इसी के थर्ड वाले में। तो तीसरा क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है इसका, वो देखो क्या कह रहा है, वो है हमारे पास 336 एंड और यहाँ पर है हमारे पास कितना 54, तो यहाँ लिखा हमने 54, ठीक है। अब इसको भी हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है इसका, फिर इसका एचसीएफ निकालना है, फिर इसका हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थ्री लिखा सिक्स किया और यहाँ पर हमने निकाला प्राइम फैक्टर निकाला, ठीक है। तो जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो टू से करते हैं, टू वन से टू, टू सिक्स जो ट्वेल्व और टू एट जो सिक्सटीन, फिर हमने टू से किया टू एट जो सिक्सटीन, टू फोर जो एट, फिर से हमने टू से किया टू फोर जो टू से, फिर टू से किया टू टू जो टू वन से किया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास थ्री से किया थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन हुआ, फिर सेवन से किया यहाँ पर वन हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग 54 से करेंगे, तो 54 से जब करेंगे 2 से जाएगा ये, तो 2 2 जो 4, 2 7 जो 14 और ये 3 से चला जाएगा, 3 9 जो 27, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 3 जो 9, 3 से फिर 1 हो गया, ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर ऐसे लिखा 3 3 6 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आया हमारे पास 2 आया इनटू, फिर क्या आया 2 आया, फिर यहाँ पर 2 आया, फिर यहाँ पर 2 आया, 4 बार 2 आया, फिर आया हमारे पास 3, फिर आया हमारे पास 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 54 है, 54 किया इक्वल्स टू टू कर दिया इंटू थ्री कर दिया इंटू थ्री कर दिया और यहाँ पर हमने कर दिया 3, क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एच सी एफ चाहिए और हमें चाहिए एल सी एम चाहिए। तो एच सी एफ क्या, इसमें कॉमन क्या है, देखो 2 दोनों में है। अब देखो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो कोई भी दोनों का 3 ले लो, ठीक है, ये दोनों चीज़ हमारी कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास एच सी एफ है वो हो जाएगा 2 इंटू 3, इसका मतलब एच सी एफ आ गया हमारे पास 6, ठीक है, एच सी एफ ऐसे निकलता है। अब हम लोग बात करेंगे एल सी एम की, एल सी एम कैसे निकालना है, देखो यहाँ पर 2 हैं, इनमें से 1 हमने ले लिया, यहाँ पर भी हमारे पास 2 हैं, इसमें से भी हमने 1 ले लिया, अब जितना भी बच रहा है उसको उठा के यहाँ पर रख दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 बार 2 है, तो यहाँ पर लिखा हमने 1 2 और 3, फिर यहाँ पर 2 बार 3 है, तो यहाँ ओके यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 2 बार, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या 7, फिर से चेक कर लेते हैं, 2 3 और फिर 1 2 3 और 1 2 7, ठीक है, मतलब क्या है, 3 बार 2 है इसलिए हमने 1 2 3 बोला और यहाँ पर 2 बार है, बस देखो ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना, 3 2 6 हो गया और यहाँ पर करो 2 2 4, 4 2 8 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और इंटू 7 हो जाएगा। जब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने में यहाँ पर मिल जाएगा 3024, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल सी एम और ये हो गया हमारा एच सी एफ, मिल गया। अब हमें क्या करना, वेरीफाई करना, तो वेरीफाई कैसे करोगे, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एल सी एम और एच सी एफ का करना पड़ता है मल्टीप्लाई और बराबर दिखाना पड़ता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखो एलसीएम हमारे पास कितना आया था, 6 आया था, सॉरी एलसीएम आया था 3024 आया, ठीक है, और जो एलसीएफ आया वो आया हमारे पास 6 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमारे पास कितने आए, कौन से हैं, 336 है, ठीक है, और है 54। अब इसका कर दो मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, तो समथिंग आएगा हमारे पास 18,000, ठीक है, 144 इक्वल्स टू, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी हमारे पास यही आएगा 18124, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, बराबर हो गया हमारा राइट हैंड साइड का।
तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर थ्री के तीनों पार्ट हमने कर लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू के तीनों पार्ट कर लिए। तो अब आते हैं इसी का तीसरा वाला क्वेश्चन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कुछ है भी नहीं, बस आपको ये समझना है कि एचसीएफ कैसे निकलेगा और एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो एचसीएफ कैसे निकालता है, जो भी कॉमन उनमें से एक ले लो और जो एलसीएम बचा, जितने भी नंबर बच रहे उनको मल्टीप्लाई कर दो, वो हो गया हमारा एलसीएम। हम लोग सॉल्व करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन थ्री कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे अभी देखो। यहाँ पर तीन प्रॉब्लम दी गई, बारी बारी सभी को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो आते हैं हम लोग इसी के सोल्यूशन में। तो अब इसमें समझो कि हमें इसे करना कैसे है। देखो एलसीएम जो एचसीएफ अभी तक हमने निकाले है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो देखो इसी के तीसरे में क्या दिया है, फर्स्ट में, मतलब तीसरे का फर्स्ट में 12, 15 और 21, इसका हमें पहले तो निकालना है एलसीएम, ठीक है। फिर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एचसीएफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एलसीएम कैसे निकलता है, तो इसके प्राइम फैक्टर से हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमने लिखा 12 है, तो 12 का करो, तो 12 का क्या होता है भैया, 2 से करो, 2 4 फिर 2 से करो, तो यहाँ पर कितना होगा, ओ सॉरी 2 6 होता है, 2 6 हो गया 12, और 2 3 और 3 यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 15 है, तो 15 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 से 3 5 फिर 5 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 21 है, 21 से करेंगे तो ये किसका जाएगा, 2 3 से जाएगा, तो 3 से जब करेंगे तो 7 7 1, ठीक ये हो गया। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है 12, तो पहले हमने 12 लिखा इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमारे पास 15 इक्वल्स टू 21 इक्वल्स टू 12 को हम लोग कर सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 × 2 × यहाँ पर हो गया 3, 15 को लिखा 3 × हमने कर दिया 5, और यहाँ पर 21 को हमने लिखा 3 × 7। हमको क्या चाहिए, LCM चाहिए, LCM, तो LCM और हमको चाहिए HCF। देखो HCF हमने बताया था, इसमें देखो कौन से तीनों कॉमन लग रहे हैं, देखो यहाँ पर 3, ओके यहाँ पर भी है 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो ये तीनों हमारे में है, ठीक है। 12 में भी 3 है, 15 में भी 3 है और 21 में भी 3 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया जो हमारा HCF होगा वो हो जाएगा 3, क्लियर है। अब LCM कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर तीनों में 3 है तो हमने 3 एक बार लिखा, और फिर हमारे पास क्या बच रहा है, 2 बचा तो 2 लिखा, फिर 2 बचा यहाँ पर, फिर से हमने 2 लिखा, फिर यहाँ पर 5 है तो हमने 5 लिखा, और फिर यहाँ पर 7 है तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया, बस। तो ये हो गया हमारा LCM। अब ओके एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालना है। अब सिंपल सा इनका करना है मल्टीप्लाई, तो भैया जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 420 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ, हमें यही निकालना था, तो ये हो गया सोल्यूशन। तो देखो एक और तरीका होता है एलसीएम निकालने का, तो एलसीएम निकाल कैसे सकते हैं, देखो एलसीएम हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 12 है, यहाँ पर 15 है, अगर यहाँ लिख दिया 21, अगर ये करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है ऐसे, तो वैसे है तो ये बहुत इजी, अगर प्रॉब्लम आ रही तो सिंपल सा एक साथ लिखा हमने, ठीक है। फिर हमने 2 से डिवाइड किया ऐसे, तो 2 से किया तो 6 टाइम चला गया, 15 है और यहाँ पर है 21, फिर से ये 2 से जा सकता है, तो हमने 2 से किया तो यहाँ पर 3, यहाँ पर आ गया 15 और यहाँ पर आ गया 21। अब ये 3 से जा सकता है तो यहाँ लिखा 3 1 3 3 5 और 3 7, अब ये 5 से जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 1, यहाँ पर बचेगा 7, 7 से करेंगे तो सब में 1 बचेगा। अब क्या आया, 2 2 आया, देखो 2 2 यहाँ पे लिखा, 3 आया, 3 लिखा, क्या है, 5 7 है, 5 7 कर दिया। बात एक ही, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, आपको समझना है, जैसे समझ पाओ वैसे कर लिया। तो ये हो गया एलसीएम और ये हो गया हमारे पास एचसीएफ, क्लियर है। अब आते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में, जो सेकेंड पार्ट है अब वो क्या कह रहा है देखते हैं। इसकी जो प्रॉब्लम है वो है हमारे पास 17, फिर है 23, और ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसके कोई भी फैक्टर होता ही नहीं है, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 17। देखो करके देखो 17 कितने से जा सकता है, 17 सिर्फ 17 से ही जाएगा क्योंकि किसी टेबल में ये आता ही नहीं, तो 1 लिखा। यहाँ पर 23 भी हमारा 23 से ही जाएगा, 1 लिखा, और यहाँ पर 29, और यहाँ पर 29 हमारा किससे जा सकता है, 29 हमारा जा सकता है 1 से, तो हमने सिर्फ 1 लिखा, ठीक है कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए LCM, LCM निकाला, और यहाँ पर हमें चाहिए HCF, ठीक है। अब LCM कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा था कि LCM हमें निकालना होता है जितने भी नंबर है हमारे पास, कौन सा नंबर है हमारे पास है यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारे पास 17 है तो हमने 17 लिख दिया, यहाँ पर 23 है, 23 लिख दिया, और यहाँ पर 29 है तो 29 लिख दिया। अब एक चीज़ इसमें देखो कि HCF हम लोग कैसे निकालते हैं, देखते हैं क्या चीज़ इसमें कॉमन है।
तो हमने यहाँ देखा 17 है, 23 है और यहाँ पर 29 है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन हमें नहीं दिखा, तो कॉमन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अगर ये 1 कैसे लिख रहे हैं ये नहीं समझ में आया तो ऐसे तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर देखो 1 है, 1 से कर दो, 1 से कर दिया, फिर 1, फिर 1 से कर दिया 1, तो ये 1 हमारा कॉमन आ सकता है, तो हमने सिंपल से 1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, देखो जब भी किसी भी चीज़ में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती तो हम लोग 1 लिख देते हैं। ओके, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, क्लियर हो गया इतनी बात, और एलसीएम आ गया ये। अब जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 11,339, बस। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। अब इसी तरह हम लोग करेंगे इसका तीसरा पार्ट, और ये है लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखो तीसरे में हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 8 है, 9 है और है 25, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, तो हम लोग 8 से करेंगे। तो 2 से करो, 2 2 2 4 2 2 2 1, ये हो गई हमारे पास। ठीक है, 2 से 2 into 2 3 टाइम हो जाएगा, 9 से करो 3 3 3 1, ठीक। 25 करो, 5 से जाएगा 5 5 5 1, ठीक है। अब इसका हम लोग निकालेंगे एल सी एम। देखो पहले इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 into 2 into 2, और यहाँ पर 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 into 3, और यहाँ पर 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 into 5, 5 मतलब 25 इक्वल्स टू 5 into 5, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एल सी एम की, तो एल सी एम कैसे आएगा, हमने बताया था यहाँ पर 2 है 2 है 2 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2 की पावर 3, और यहाँ पर 3 है 3 की पावर हमने लिख दिया 2, और यहाँ पर 2 बार 5 है तो 5 की पावर लिख दिया 2। आप चाहो तो ऐसे लिख दो 2 into 2 into 2 3 into 3 5 into 5, ठीक है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर एच सी एफ, देखो एच सी एफ कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखा कोई भी चीज़ किसी से भी कॉमन नहीं है, मतलब किसी में भी सेम नंबर नहीं है, जब नहीं होते हैं तो हम लोग सिर्फ 1 लिख देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा एस सी एफ। और एल सी एम का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1820, मतलब आएगा 1800। तो ये हो गया हमारा एल सी एम और ये हो गया एस सी एफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहीं पर हो गया कंप्लीट, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अब आते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4th में। क्वेश्चन 4 कह रहा है गिवन दैट एच सी एफ ऑफ दिस नंबर इक्वल्स टू 9, मतलब इन दोनों नंबर का जो एच सी एफ है वो 9 है, और कह रहा है फाइंड करो एल सी एम। एल सी एम हमें फाइंड करना है इन्हीं दो नंबर का, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। एच सी एफ दिया हुआ है, एल सी एम पूछा गया, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, वो प्रॉपर्टी क्या है उसको अभी समझते। तो देखो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो एच सी एफ है, एच सी एफ किन नंबर का है, वो है 306 और यहाँ पर है 657। इन दोनों नंबर का जो एच सी एफ है वो 9 है, और हमें एल सी एम करना है क्या, फाइंड। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो अभी तक हम जानते हैं कि हमने पढ़ा क्या था, एच सी एफ ठीक है इनटू था क्या एल सी एम, ये प्रॉपर्टी अभी हमने बताई थी पिछले क्वेश्चन में, इक्वल टू सॉरी एच सी एफ इक्वल टू एल सी एम, ठीक है, बराबर होती प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर एच सी एफ क्या है हमारे पास, एच सी एफ है 9 है, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। ओके, हमको फाइंड क्या करना है, एल सी एम, तो यहां पर लिख दिया एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो नंबर क्या होंगे हमारे, ये दोनों नंबर होंगे, यहाँ लिखा 306 इंटू कर दिया यहाँ पर 657, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे लिखा हमने L, यहाँ पर कर दिया C इक्वल टू M। अब देखो यहाँ पर क्या है, 306 है, 306 किया इंटू यहाँ पर 657 है, 657 किया, और डिवाइड में यहाँ पर देखो 9, देखो मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, इतनी बात क्लियर हो गई। जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 201042, गॉट इट। अब डिवाइड जब करेंगे 9 से तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 22,338। तो मल्टीप्लाई डिवाइड आपको खुद से करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन 4th का सोल्यूशन। तो हमें एलसीएम फाइंड करना था, तो हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। कैसे फाइंड किया, हमें पता है कि जो एच सी एफ है, अभी तक हम लोग वेरीफाई कर रहे थे ना जैसे, बस उसी मेथड से हमने यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और जो दो नंबर था इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर जो हमें पास एस सी एफ था, एस सी एफ को उठा के यहाँ ले गए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई से यहाँ पर बन गया डिवाइड में, और जब डिवाइड किया तो हमको मिल गया एल सी एम 22,338, बस। तो यही हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4th का सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, क्वेश्चन 5 कह रहा है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब क्वेश्चन यहाँ कहना चाह रहा है, कह रहा है कि अगर जो 6 की पावर n है, और जो ये n है ना,
एन की जगह में कोई भी हम लोग नेचुरल नंबर लिख देते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सभी होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। ओके, तो कोई भी हम लोग अगर नेचुरल नंबर रखते हैं यहाँ पर 6 की पावर n में, फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में जो हमारा डिजिट आएगा लास्ट वाला वो क्या 0 होगा, ये हमें बताना है। तो बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इसको ये बताने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि कब कब हमारा लास्ट में 0 आ सकता है। तो देखो, हमने यहाँ पर एक ले लिया समझने के लिए 10, ठीक है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 0 है। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि लास्ट डिजिट आ सकता है क्या 0, तो हमने समझने के लिए, खुद के समझने के लिए 10 ले लिया। इसके हमने प्राइम फैक्टर किए, तो यहाँ पर 2, 5 हो गया। तो हमने देखा, यहाँ पर नोटिस किया कि जब हमने 10 लिया जिसका लास्ट डिजिट 0 था, तो उसके जब प्राइम फैक्टर किया तो उसके आया 2, 5 आया। तो हमने कहा चलो दूसरा नंबर लेके देखते हैं जिसके लास्ट डिजिट 0 आया, तो यहाँ पर 20 लिया। फिर इसको हमने किया, तो हमने फिर से यहाँ पर नोटिस किया कि यहाँ पर 5 कितने जाएगा, 2, ओके, और यहाँ पर फिर से कर देते हैं 2। हमने जब फिर से हमने इसको नोटिस किया, तो हमने देखा कि यहाँ पर फिर से हमारे पास 2, 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 2, 5 आया, यहाँ पर भी 2, 5 आ गया, ठीक है। तो हमने कहा चलो एक बार और नंबर लेके देखते हैं, तो यहाँ पर हमने 30 ले लिया। फिर हमने इसे 2 से किया 15, 5 से किया 3, फिर यहाँ पर 3। फिर से हमने नोटिस किया कि फिर से 2, 3 आया, सॉरी 2, 5 आया। अब हमने कहा कि इस बार हम लोग बड़ा नंबर लेते हैं, तो हमने इस बार लिया, तो यहाँ पर लिया 2, 50, 2 से किया तो 25, फिर हमने 5 से किया तो 5, 5 से 5। फिर जब हमने इसे नोटिस किया, तो फिर देखा कि यहाँ पर हमारे पास 2, 5 आया। तो इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि अगर हमें लास्ट डिजिट 0 चाहिए तो उस नंबर का प्राइम फैक्टर 2, 5 होना जरूरी है। ये बात क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर बात आती कि जो हमारे पास 6 की पावर n है और जो हमारे पास नेचुरल नंबर n है, अगर हम लोग पुट करते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, अभी देखा कि अगर 0 तभी आएगा जब हमारे पास 2, 5 होना जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग इसका 6 का फैक्टर करके देख लेते हैं। तो जब हमने 6 का फैक्टर किया, तो यहाँ पर आया 2, 3 से जाएगा तो 3, और यहाँ पर आया 3, 1। तो जब फैक्टर किया तो हमारे पास क्या मिला, 2 और 3 मिल गया। तो 2, 3 में हमारे पास 2, 5 नहीं है, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि भैया नहीं आएगा अगर हम लोग कोई भी नंबर इसमें पुट कर दे। तो ये तो हमने कर लिया, मगर अब हम लोग इसे अच्छे से सॉल्व कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर तरीका होगा सॉल्व करने का, ये तो समझ लिया। अब इसे लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, ठीक है, ओके, यहाँ लिखा हमने लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर, ठीक है, विच एंड विद द डिजिट 0, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर ले लिया 10 इक्वल्स टू, हमने अभी देखा क्या था हमारे पास 2, 5 आ रहा था यहाँ पर, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2, 5 लिख दिया। अब हमने देखा जब हमने 100 किया तब भी हमारे पास 2 इंटू 5, और फिर यहाँ पर 2 इंटू 5 आ रहा था, देखो 2 इंटू 5 एक ही बात है, कैसे भी लिख दो, तो 2, 5 हमें कॉमन दिख गया इसमें, ठीक है। तो अगर हमारा इसमें भी 2, 5 फैक्टर आता तो हम लोग बोल सकते थे कि हमारे पास कोई भी n नंबर रख दो तो हमारे पास लास्ट डिजिट 0 मिल सकता था। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेयर वी नोट दैट एंडिंग विथ जीरो हैज बोथ 2 and 5, क्लियर है, एज देयर प्राइम फैक्टर, क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमारे 6 की पावर n है, तो हमने अभी यहाँ पर देखा कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर इसके 2 into 3 है, और यहाँ पर लिख दिया n, और बस ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। बस ये समझना जरूरी है, ये तो रिप्रेजेंट आप अपने तरीके से भी, अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू भी कर सकते हो, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ये एक्सप्लेन करके बताओ ये दोनों हमारे कंपोजिट नंबर क्यों है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो, कंपोजिट नंबर क्यों है, इसको बताने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखो, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं,
क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। अब इनके हम लोग फैक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, पहले तो ये खुद ही ऐसे यहाँ पर हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन में सीधा डायरेक्ट। देखो यहाँ पर पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाला हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो पहला है वो दिया है सेवन, ठीक है। इंटू दिया हुआ है हमारे पास इलेवन और इंटू दे दिया है यहाँ पर थर्टीन और यहाँ पर प्लस में हमारे पास थर्टीन, क्लियर है, ये दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर हमारे पास कोई चीज़ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन, सॉरी यहाँ पर इलेवन है और यहाँ पर थर्टीन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन है। देखो यहाँ पर बीच में प्लस लगा है, हमने देखा यहाँ पर हमारे पास थर्टीन है और यहाँ पर भी थर्टीन है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ से थर्टीन कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जब थर्टीन कॉमन निकाला तो अंदर बचा सेवन, इंटू बचा इलेवन और यहाँ पर बचा वन और यहाँ पर प्लस में हमने कर दिया वन, क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सेवन इंटू इलेवन क्या होगा, सेवन इंटू इलेवन होता है 77, इंटू वन हो जाएगा तो भी 77। तो यहाँ लिखा हमने 13, यहाँ पर लिखा 77 और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने वन। अब इन दोनों को प्लस करो तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 78। कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 78। अब 78 का फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हमने 13 और 78 का प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग तो यहाँ मिल जाएगा 13, ठीक है, और यहाँ मिल जाएगा हमें 3 और यहाँ मिल जाएगा हमें कितना 2। तो 78 का प्राइम फैक्टर होता है 13, 3, 2, क्लियर है। तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा था कंपोजिट नंबर बताओ, क्या ये कंपोजिट नंबर है, तो हमने अभी बताया था कि एक से ज्यादा फैक्टर है, मतलब दो से ज्यादा, एक से ज्यादा फैक्टर है हमारे तो वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सिंस इट हैज मोर देन टू फैक्टर सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर, गॉट इट। तो चलो यहाँ लिख देते हैं स्टेटमेंट में, सिंस इट हैज मोर देन टू नंबर, टू फैक्टर, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर क्या हमारे पास 13 हो गया जैसे कि, और यहां पर हमने लिख दिया, यहां पर हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया, 2 हो गया, सो ऑन, ये सारे हमारे क्या ये फैक्टर हैं, तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे क्या कंपोजिट नंबर है, ओके। तो यहां पर कह दिया इट इज अ कंपोजिट नंबर, ओके, कंपोजिट नंबर, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट का। अब देखो एक और भी तो है हमारे पास नंबर, उस नंबर को चेक कर लेते हैं। ये दूसरा है वो हमारे पास है 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब ध्यान देना, अब इसमें से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, देखो यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 7 इंटू 6, ठीक है, इंटू बचा यहां पर 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहां पर प्लस में 1, क्लियर है। अब क्या करना है, यहां पर हमने लिखा 5 कर दिया। अब जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करने में मिल जाएगा 100 और यहां पर हो जाएगा कितना, हो जाएगा यहां पर, हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस हो जाएगा यहां पर 1। इन दोनों को सॉल्व कर दो तो 5 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 1009 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1009, अब ध्यान देना इसको भी जरूरी है प्राइम फैक्टर करो, इसी से समझ लो कि यहां पर दो हमारे पास ऐसे ही फैक्टर हैं। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि सिंस इट इज इट हैज, यहां लिखा सिंस इट हैज मोर देन टू फैक्टर, ठीक है। तो दो फैक्टर हमारे पास क्या, देखो 5 हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या 1009 हो गया और हमारे पास फिर 5 है, फिर ऊपर क्या है 5 है 1009 है, तो ये हमारे क्या हो गए, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, ठीक है। तो थोड़ी सी वीडियो क्या हो गई थी हमारी, रुक गई थी और हमने यहाँ पर लिख दिया, इस वजह से हमें फिर से शूट करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट हो गया, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 7 और ये कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। अब देखो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास स्पोर्ट फील्ड है, उसमें क्या करिए सोनिया ले रही है एक राउंड लगाने के 18 मिनट में एक राउंड लगा पा रही है उस फील्ड का, और जो रवि है ना वो 12 मिनट में एक राउंड कर पा रहा है, ठीक है, सेम फील्ड है। आगे कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो ऑन द सेम डायरेक्शन,
क्वेश्चन कह रहा, मान लेते हैं कि वो दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। और तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, कैसे करेंगे अभी हम लोग इसको सोल्यूशन में समझते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक हमारे पास फील्ड है और इस फील्ड में सोनिया जिसका नाम है एस से स्टार्ट है और रवि, वो दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम लगा है उनको, रवि को लगा है 12 मिनट और इसको लगा है कितना 18 मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा अगर ये लोग सेम पॉइंट और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोबारा इसी पॉइंट में कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर पहले आ जाते हैं और लिखते हैं सोनिया ने टाइम लिया है, टाइम टेकन कितना हुआ है 18 मिनट, क्लियर है। और जो रवि भाई साहब हैं, और रवि ने कितना टाइम लिया है, रवि ने टाइम लिया है 12 मिनट, क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने टाइम में वो दोबारा मिलेंगे, ठीक है, सेम पॉइंट में। तो यहां लिखा हमने टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन, मीट अगेन। तो यहां पर निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एल सी एम ऑफ किसका 18 एंड 12। अब कहोगे इसमें हम लोग एलसीएम ही क्यों निकालेंगे, एचसीएफ क्यों नहीं निकालेंगे, ये जरूरी है। और हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कम से कम टाइम में कब कहां पर ये लोग मिलेंगे, सबसे पहले कम से कम क्या हो रहा है एलसीएम। ठीक है, जब भी दो लोगों की बात करें, दो लोग इंटरसेक्ट आपस में कभी भी कर रहे हो तो उस टाइम में हमें निकालना होता है एलसीएम, क्लियर है। तो ये डाउट क्लियर हो गया ना, तो अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम निकालना हम लोगों का बाएं हाथ का खेल हो गया क्योंकि हम लोग एलसीएम शुरू से निकालते चले आ रहे हैं। तो 18 का एलसीएम क्या होगा, करते हैं 2 से, 2 9 जा 3 से, 3 जा 3 से 1। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, 12 में, तो 12 का करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 जा 2, 6 जा 2, 3 जा और 3 1 टाइम, क्लियर हो गया। तो यहां पर आया, तो यहां पर 18 का हमको क्या मिला है, 2 इंटू मिल गया हमें 3 इंटू मिल गया है 3, और हमें 12 का मिला है 2 इंटू मिल गया है 2 इंटू मिल गया है 3। अब चाहो तो इसको ऐसे लिखो 2 इंटू 3 की पावर 2, और यहां पे लिखा 2 की पावर 2 इंटू हमने कर दिया 3। ठीक है, अब जिसके हाईएस्ट कॉमन स्क्वायर है, मतलब सबसे ज्यादा जिसमें पावर है उसको लिख लो, तो यहाँ पे लिखा हमने एल सी एम, इसका मतलब हो गया यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू 4 का, सॉरी 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 3, 3 जै 9, और 2 का होता है 4, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4, 9 जै 36। तो 36 मिनट बाद वो लोग सेम पॉइंट में, स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, क्लियर है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय बोथ बोथ टू मीट अगेन, क्लियर है। तो यहां पे लिखा हमने 36 मिनट, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। तो हम लोग इसे फिर से समझते हैं, क्वेश्चन ने कहा था कि सोनिया और रवि एक राउंड को पूरा करने में 18 मिनट सोनिया लेती है और 12 मिनट रवि ले रहा है। तो ये क्वेश्चन ने पूछा है कि ये लोग अगर सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो सबसे कम टाइम में कहां पर मिलेंगे, मतलब सबसे कम टाइम में स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिलेंगे, ये पूछा है कब मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन, तो हमने निकाला एलसीएम। तो बात यहां पर आती है कि हम एलसीएम ही क्यों निकालेंगे, एचसीएफ क्यों नहीं निकालेंगे। तो एलसीएम इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पता करना है तो कितनी जल्दी से जल्दी ये लोग मिलेंगे, इसका मतलब ये हो रहा है कि कब इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। जब भी दो या दो से ज्यादा लोग आपस में इंटरसेक्ट करें या फिर मिलने की बात करें तो हम लोग हमेशा एलसीएम निकालेंगे। गॉट इट, इतना क्लियर हो गया। तो एलसीएम निकालना हमें आता है, तो हमने एलसीएम निकाल लिया, इस तरह से हमने एलसीएम निकाला तो हमें मिल गया 36, और जो ये 36 हमको मिला है यही था हमारा टाइम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। आई होप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो कमेंट करके जरूर बताओ, जितने भी लोग शुरुआत के 10 कमेंट करेंगे उन सभी का कमेंट अगली वीडियो में हम जरूर पुट करेंगे। ठीक है, सभी वीडियो में आपको लगा देंगे, मतलब सभी के कमेंट हम अपनी वीडियो में लगाएंगे।
तो आई होप आपको समझ में आया, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब जल्दी से करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो का जो लाइक एम है वो है हमारा 100 लाइक, ओनली 100 लाइक, जितनी जल्दी हो सके करा दो। ओके बाय।